लौकी की सब्ज़ी बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, मगर आज हम जिस ट्रिक से बनाएंगे फ्रेंड, वो लौकी की सब्ज़ी बच्चों को या बड़ों को बहुत पसंद आएगी। बस सिंपल सा ही ट्रिक है, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। सिंपल से ट्रिक से हम टेस्टी सा लौकी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक लौकी, जो देख सकते हैं कितना पतला है, और ये बहुत ही नरम लौकी है, फ्रेश लौकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज आप लोग को लौकी की सब्ज़ी बना के खिलाया जाए। तो इसे हम छील लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो बस इसको अच्छे से हम छील लेंगे। और ये बड़ी लौकी बड़ी है तो आप साइज़ में दो टुकड़ों में काट के भी आप इसे छील सकते हैं। मैं ऐसे ही छील रही हूँ, तो आप दो टुकड़े में भी काट सकते हैं, क्योंकि हाथ में आना सही रहेगा, नहीं वरना हाथों पे लगने का डर रहता है। तो बस अब इसे हम अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद छीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने छील लिया है और इसे दो भागों में हम कट कर लेंगे, फिर दो भागों से दो भाग और करेंगे ताकि हम छोटे छोटे में कट कर सके। तो बस यहाँ पे हमने चार कर लिया। अब इसमें से बीच से चीरा लगाएंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे कट करना बहुत ही आसान है, और लौकी मेरी बहुत ही नरम है तो इसे कट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस अब देख सकते हैं ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब मुझे तो इतना मज़ा आ रहा कट करने में, तो मुझे सब्जियां कट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड, मेरी हरी हरी चूड़ी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे सारे लौकी को कट कर लिया। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा तेल हम यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये ज़्यादा हो गया है। उसमें हमने जीरा डाला है, हरी मिर्ची हमने डाला है, और एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है इसमें। जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे ही हम बना रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, मुझे बहुत ही पसंद आती है ये लौकी की सब्ज़ी। तो बस अब इसके बाद हमारी ये जीरा मिर्चा जब भुन जाएंगे तो इसमें हम लौकी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जीरा मिर्चा भुन गया, तो अब लौकी ऐड कर देंगे इसमें, और इसे हम चला लेंगे। चला के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमारे तेल है, जीरा है या मिर्चा है उसे चला लेंगे थोड़ा सा। चलाने के बाद अब इसको हम थोड़े देर ढक देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, फिर हम मसाले और हल्दी जो भी डालना है उसे ऐड करेंगे। तो इसे थोड़े देर ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद हमने ढकने के बाद आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसमें हल्दी और नमक, तो यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, मतलब थोड़ा सा छोटा चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बस तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। और बस इसे चलाते हुए थोड़ा सा और भून लेंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ी अच्छी हो जाए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरी सब्ज़ी अच्छी हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है सब्ज़ी। तो थोड़ा से चलाते हुए भून लेंगे, और ऐसे जो हमारी करछी है उससे हम थोड़ा सा प्रेस भी करते रहेंगे ताकि जो भी बड़े टुकड़े हों वो छोटे हो जाए। तो बस ऐसे फ्रेंड, हमारी लौकी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर